ठीक है ना। प्लेन मिरर का जो डीबीपी टू रहेगा वो ओलंपियाड लेवल रहेगा, ठीक है। अरे ओलंपियाड का नाम सुना है तुम लोग, या बिहार बोर्ड में फंसा हुआ? सुने हैं सर। हाँ ठीक है। अरे देखो ये कौन बच्चा है, धनंजय, इसका डाउट है, इफ डी इज द रियल पाथ लेंथ देन द ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन मीडियम इज इक्वल्स टू। देख किसी क्या पूछा, क्या डी इज द रियल पाथ लेंथ देन द ऑप्टिकल पाथ लेंथ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू। क्या है कि अगर मान लो कि लाइट अगर तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है वैक्यूम में, अब सोचो कि ये अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में किसी मीडियम में अगर जाएगा तो सेम टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे समझ में आया मेरा बात? अगर ये सर्टेन टाइम टी में डी डिस्टेंस चल रहा है वैक्यूम में, तो किसी और मीडियम में जब जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अरे नहीं बता पाएगा क्या तुम? तो सर बता देंगे कि नहीं बताएंगे। ठीक है बताओ ना, तो फिर बताओ ना कितना चलेगा। सर वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना अरे वैक्यूम। सुनो, अरे कोई एक्चुअली फ्रिक्वेंसी नहीं। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता क्या, वेलोसिटी इन मीडियम बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम, है यस सर, वेलोसिटी ना? इन वैक्यूम ऊपर आएगा सर। अच्छा हाँ सॉरी माय मिस्टेक, वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी इन मीडियम मीडियम। अच्छा वेलोसिटी इन वैक्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई टी। अरे ये लिखोगे, सर, और यस सर, डिस्टेंस बाई टाइम, और इसको वेलोसिटी इन मीडियम को क्या लिखोगे, डी डैश बाई टी। नहीं लिखेगा, यस सही है ना? तो टी टी कैंसिल, तो सर। तुम्हारा था जो ना डी डैश आएगा वो क्या आएगा, डी बाई म्यू आएगा, नहीं आएगा? अच्छा यस यहाँ पे एक चीज का एक्चुअली ध्यान रखने का है कि अगर ये दिया हुआ डी तब तो ये आएगा, और कहीं अगर ये दिया रहता है डी तो वो कुछ और आता है। अरे समझ ना मेरी बात सर। को। फिर नीचे वाले को डी वाई टी लिखते हाँ ना। सही है ना, ये वाला डी दिया रहता तो तुम्हारा म्यू टाइम्स डी आता, नहीं आता? यस सर। सही है ना? एक और कोई उसका डाउट था, फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन एयर इज 2.5। अरे ये वाला क्लियर है ना? हेलो हाँ, यस सर। सर ये डीपीपी कहाँ से टिपा गया है? चोर कौन सा? बजा, ये तो रिवीजन सेट दिया है सर। स्टालिन मल्होत्रा। लगा सर मुझे। हाँ यस ना सर। क्या सर इतना टाइप करवाया फिर इसका पीडीएफ ही लिए थे आपके से। सर सबको कुछ कुछ काम देते रहना है ना, टाइप करते हो तो बैठा हुआ दे रहे, तो भाई टाइप ही करता रहा दिन भर आपका। नहीं लेकिन वो एनटीएससी लेवल के लिए वो ना सफिशियंट है, ऐसा नहीं है, एनटीएससी लेवल के लिए वो सफिशियंट है। एनटीएससी के लिए देखो एक चीज को समझो कि एनटीएससी में जो तुमसे 13 क्वेश्चन जो रहेगा ना, तो तुमसे 10 ही प्रॉब्लम बन पाएगा,
उसका रीजन क्या है ना कि वैसा नहीं है कि तुमसे एक्चुअली 13 का 13 नहीं बन सकता, लेकिन तेरे पास लेकिन तेरे पास वहां पर एक्चुअली टाइम बाउंडिंग रहता तो है ना कि भैया वही 2 घंटे में सब कुछ करना है। हेलो यस सर। तो वो एक्चुअली टाइम बाउंडिंग के चलते तुम सब प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिक्स काफी ज्यादा टाइम खाएगा वहां पे, काफी टाइम खाएगा मैथमेटिक्स। सोशल साइंस भी इतना आसान रहता नहीं है, वो भी टाइम खाता है। इसलिए बड़े बड़े पूछ के रखते हैं। हाँ तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम चाह करके भी ना, तुम चाह करके भी सोचो कि हम 13 का 13 सॉल्व कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो तुमको डीपीपी दिए हैं वो बिल्कुल एमटीएस लेवल है, वैसे ही पूछते ही वो लोग। हाँ 2-3 प्रॉब्लम रहेगा, ये बार भी 2-3 प्रॉब्लम था जो थोड़ा ठीक ठाक था, तो टफ लेवल में था, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो ठीक ठाक है, मतलब देखो और हो ही जाएगा तुमसे। और ऐसा ही प्रॉब्लम पर अपने को फोकस भी करना है, जो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है उसको देखेंगे बाद में, अगर कुछ काम धाम नहीं रहा तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। हाँ ये क्या, फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन एयर इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन वाटर वुड बी। देख इसमें थोड़ा सा डेटा इनसफिशियंट है, हमको पता है कि 1/ फोकल लेंथ क्या होता है, म्यू माइनस 1, या इसको मोर एक्यूरेटली बोले तो हम क्या लिखवाए थे फॉर्मूला, N2-N1। हाँ इसको हम लिखवाए थे N2-N1 अपॉन N1 मिरर है सर, इनटू 1 क्या हुआ, सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में लेंस है, लेंस है भाई। Focal length of a glass lens in air is 2.5 centimeter. Its focal length when immersed in water will be. अच्छा, अब क्या है कि first में इसको air में रखा गया है, तो first case में अगर हम लोग देखें तो 1/f, ये f को हम लोग क्या लिखेंगे, 2.5, ये पहले दिया हुआ है 2.5, n2 क्या है, refractive index of glass, refractive index of glass कितना होता है, 1.3 तो होता है, पता नहीं, चलो ठीक है, यस सर वही होता है। 1.3 माइनस 1/1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जब इसको वाटर में रखा गया अब क्या हो गया, n1 क्या हो जाएगा भाई साहब, 1.5, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.5, ये क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 सर, उल्टा कर दिया तो भैया डिवाइड कर दो तो ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अब क्या कर लो 1.5 माइनस 1.3 आएगा और नीचे 1.3 आएगा। माय मिस्टेक। हां क्या बोला, ठीक तो है, हम सही लिखे थे सर, वाटर से ये ग्लास में जाएगा तो सही तो लिखे थे यार। अरे N1 क्या है, सराउंडिंग्स का एक्चुअली मीडियम था ना, हेलो सही लिखे थे, यस सर सही है। एक और चीज को ना समझो कि जब इसको ग्लास में, जैसे तुमने सुना होगा कि इसका अगर 1.3 है और अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वाटर में जैसे ही लेंस को जब तुम डिप कर दोगे ना तो वो नेचर चेंज कर देता है, वो तुम्हारा मान लो कि तेरे पास कॉन्वेक्स है तो वो जब ग्लास ये जब वाटर में ना मैंने डिप कर दोगे तो वो ना कॉन्केव का काम करेगा, उसका रीजन तुम देख ले कि यहाँ से ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव अगर आएगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ नेगेटिव किसके केस में होता है, कॉन्वेक्स, सॉरी एक्चुअली कॉन्केव के, कॉन्केव लेंस, सही है ना। मान ले कि अगर कोई मेरे पास मिरर है ना, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को हम अंदर रखें, अब मान ले कि अगर इस पार्ट को अगर हटा दे यहां से, इसको ना काट के गायब कर दें, सिर्फ इस पार्ट को अगर
हटा दे तो क्या होगा? इसका जो इमेज जहां पर भी एक्चुअली बन रहा होगा ये एज यूजुअल बनता रहेगा, क्योंकि हम और कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं किए, हम सिर्फ ये वाला पार्ट को साइड कर दिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को अगर साइड कर देने से फिर इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट चीज ये कि इसका इमेज जहां जो बन रहा होगा वही चीज बनता रहेगा अगर इसके पोजिशन से छेड़छाड़ नहीं किए तो फिर इफेक्ट क्या होगा? जो तुम्हारा शार्पनेस ऑफ इमेज है दैट विल डिक्रीज, क्योंकि अब लेस रेस जाकर के वहां पर कन्वर्स या तुमको डाइवर्स होता हुआ दिखाई देगा ना। हेलो, मान लो कि इसका इमेज यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, अब क्या होगा कि अगर ये बीच से ये वाला पार्ट को अगर तो हटा दोगे तो यहां से तो इनफाइनाइट रेस जा रहा था ना यार, सही है ना? अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ जी। अब अगर ये बीच वाला पार्ट को अगर तो हटा दिया जाए तो अब क्या फर्क तुम्हारा एक्चुअली पड़ने वाला है? अब इससे फर्क ये तुम्हारा एक्चुअली पड़ने वाला है कि इस मतलब जितना रेज यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा था या तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा था वट एवर, अब वो नंबर ऑफ रेज कम होगा, तो नंबर ऑफ वेज कम होगा तो जो तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ जो इमेज है वो चीज कम होगा, जो शार्पनेस ऑफ जो इमेज है वो तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? Yes, sir. लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो। ये तो कल भी लिखवाए थे सर। हाँ लिखो, एक दो पॉइंट और है, इसको भी लिख लो। इफ आफ्टर कटिंग ऑफ मिरर If after cutting of mirror, the sphere of which it was a part, does not change. If after cutting of mirror, the sphere of which it was a part does not change, then the number of images formed is always one. But the images. Less sharp in comparison with the uncut mirror, but the image is less sharp in comparison with the uncut mirror. अरे सही अभी टाइम हेलो यस सर। हाँ सेकेंड पॉइंट लिखो। If after cutting the sphere of the mirror changes its position, then the number of images formed equals to number of pieces the mirror has been split in. Hello? अगर उसके पोजीशन को ना मतलब चेंज कर दिया जाए
अगर उसके पोजीशन को ना मतलब चेंज किया जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, जितना तुम्हारा टुकड़ा रहेगा, सही है ना। हेलो, अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस सर। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं तुमको क्लियरिटी हो जाए कि भाई क्या करना चाहिए। अरे क्लास टेन पे मैंने बच्चे कितने हैं दोनों सेक्शन मिला करके? अप्रोक्स 65 66 आता क्यों नहीं है फिर? लो कहाँ रहता 67 पहले डिसाइड कर लो कितना है फिर तुमको बताना। अरे यहाँ तक तो ये क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला, ये चीज को ध्यान समझता है, इसको ये हमारा जो ना मिरर है ना, इसको यहां से ये किया गया, कट किया गया, और कट करने के बाद इसको 1 मिलीमीटर अप शिफ्ट किया गया। अरे समझ पा रहे हो, इसको यहां से एक्चुअली कट करके और थोड़ा अप शिफ्ट किया गया। सिमिलरली इसको भी कट करके नीचे शिफ्ट किया गया, कितना, 1 मिलीमीटर। फिर से बता रहा क्या हुआ, इसको यहां से एक्चुअली कट किया, कट करने के बाद दोनों दो टुकड़ा हुआ, हुआ ना। अब इसको 1 मिलीमीटर अप शिफ्ट कर दिया, इसको भी 1 मिलीमीटर डाउन शिफ्ट कर दिया। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर। अब जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो अब कितना इमेज बनेगा, दो, क्योंकि तेरे पास दो टुकड़ा हुआ। अब तेरे पास भैया दो दो टुकड़ा हुआ तो फिर दो इमेज बनेगा, नहीं बनेगा? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। अरे सही है ना, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, लिख लो। और 2 मिनट का टाइम दे रहे, कोशिश कर सोच के भाई कैसे करें, ठीक है? क्या पहले एक चीज को समझते हैं कि अगर यहां से ये कर दिया गया, कट कर देंगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस चेंज, प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा। अब ये वाले पार्ट का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ यहाँ चला आएगा और ये वाले पार्ट का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नीचे चला आएगा। अरे ये तो होगा, अरे सही है ना यार? हेलो, अरे मानते हो बात को? अरे इसको जब अपर कट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस नीचे चला आया, आया ना? यस सर। अच्छा अब आते हैं इसके बाद की कहानी। हाँ मृत्युंजय बोल रहा है चार, अनुराग भी चार ना, देखें। और जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस था वो तो यहाँ पर था और ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा हुआ था, रखा हुआ था ना? अरे सही है ना, ये तो था तेरा ऑब्जेक्ट। अरे हाँ ना, तो बोलो ना यार। यस सर। अच्छा अब तुम खुद से सोचो, ये वाला लेंथ कितना है, 1 मिलीमीटर। अरे 1 मिलीमीटर ही तो है केजरीवाल। यस सर। ये कितना आया, वी कितना आ रहा है? वी सर वी 20 आया था, वी 20 आया था, ये 30 है, ये एक्चुअली 20 है, तो वी भी तुम्हारा 20 आ रहा है। माइनस 60 आएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा?
माइनस टू माइनस दो सही है ना? यस। तो माइनस दो अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? माइनस दो का ना मतलब क्या हुआ? जो इमेज बनेगा वो फिर कैसा बनेगा? रियली बनेगा। रियल बनेगा एज वेल एज इन्वर्टेड बनेगा। यस सर। यस सर। सही है ना? यस सर। समझते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना था साहब? 30। अब जो इमेज बन रहा है वो कहीं यहाँ बन रहा है, ये लाइन पे बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अच्छा, अब जब इस लाइन पर बन रहा है, ये लेंथ 1 मिलीमीटर है, मैग्निफिकेशन कितना है? दो। इमेज का साइज कितना बनेगा? अरे इमेज का साइज कितना होगा? 2 मिलीमीटर। यस सर, 2 मिलीमीटर होगा। हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस टू है ना भाई, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना होगा? 2 मिलीमीटर। यस सर सही है। ये एक्चुअली नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे। इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और नीचे ही रहा तब उसका उल्टा बनेगा। उल्टा होगा। यस। उल्टा पुल्टा याद नहीं करने का है, ये याद नहीं करने का है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और अगर ऑब्जेक्ट ही नीचे है तब जहां भी रहेगा उल्टा बनेगा। अरे यार। यस सही है ना? यस। मतलब अभी सोचो कि इस मिरर के लिए अगर M1 ये अगर M2, तो इसके लिए जो इमेज बन रहा है मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है नहीं है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? इसके ऊपर। हेलो। यस सर। तो इसका जो इमेज बनेगा I1 ये कहीं यहाँ पर नहीं बनेगा? बनेगा। सिमिलरली अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसके yes, लिए sir. इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। हेलो। यस सर। अरे नहीं आया। आगे। तो ये वाला गैप कितना हुआ I1 I2 के बीच में? अरे 2 मिलीमीटर। 6 नहीं हुआ? 4। अच्छा, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, तो गैप 6 नहीं हुआ क्या? अगर आपसे NTSC में पूछेगा तो इसी टाइप का कोई एक्चुअली क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, अपना IQ तरह काम करना चाहिए। तुम खुद से बताओ ये में कौन सा कैलकुलस है, कौन सा वेक्टर है, बताओ। अरे सही है ना? यस सर। Yes. तुम्हारा IQ काम करना चाहिए और कुछ नहीं, ये सब प्रॉब्लम। एक और देते हैं थोड़ा सा वहां पर भी, लेकिन दिमाग लगाना ठीक है, ऐसे ऊट पटांग टाइप से याद मत कर लेना, फिर से सवाल वही है हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर ठीक है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहां से भैया कट किए और 1 सेंटीमीटर ले गए ऊपर, नीचे वाले को भी 1 सेंटीमीटर ले आए नीचे, है ना? अब फिर से सवाल वही है, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। फिर से सवाल वही है, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि काहे का सेपरेशन। अरे भैया इसको जब ब्रेक कर दोगे, हम फिलहाल जस्ट पॉइंट ले पाए कि किसी भी स्फेरिकल मिरर को जब ब्रेक करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके उसके पोजीशन को अगर चेंज करते हो तो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारा चेंज कर जाएगा, कितना होगा? जितना टुकड़ा करोगे। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं तो 2 इमेज बनेगा नहीं बनेगा? हेलो सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? दिख नहीं रहा। 10 सेंटीमीटर। ये आंख का अंधा को भी दिखेगा कि ये 10 लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है सर बोर्ड क्लियर। चलो देख लेते, देख लेते। चलो आजा, मान ले कि अगर इसको 1-1 सेंटीमीटर अप किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से वी कितना आया? वी पॉजिटिव 20
बीस पॉजिटिव 20, तो मैग्निफिकेशन कितना आया? दो. हाँ तो मैग्निफिकेशन आया होगा तेरा प्लस टू है ना? अरे तो आया होगा. अब इसको जब शिफ्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हुआ. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे. ये लेंथ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. इसको ले लेते हैं एम वन, इसको ले लेते हैं एम टू. सही है ना? हेलो. अब सोचते हैं इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जिसका लेंथ यहां 1 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया इसका? प्लस टू. यस सर. तो प्लस टू है मतलब सेम साइड में बनेगा. तो सेम साइड में बनेगा. तो इसका जो एम वन में जो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो कहीं यहाँ पर ही कहीं पे बनेगा. मतलब ये क्या होगा? आई वन जिसका साइज 2 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? अरे सेम साइड बनेगा ना. तो ये वाला चीज नीचे है, तो ये जो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? नीचे में ही बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर. अच्छा, और अगर M2 के लिए देखें, M2 के लिए अगर तो हम लोग देखें, तो M2 के लिए ये चीज अपवर्ड है. तो M2 के लिए जो इमेज ही बनेगा वो कहाँ बनेगा? अब अरे अपवर्ड ही तो बनेगा. हेलो. यस सर. तो इसके लिए क्या बनेगा? कहीं I2 यहाँ बनेगा? अरे इसके लिए यहाँ पर बनेगा ना, इसके लिए यहाँ बनेगा. क्या दिक्कत है? Yes, सही है ना. अच्छा एक चीज को समझता है, इसमें ना कितना कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, वो चीज सोचो. हम ऐसे नहीं करा रहे लेकिन सोचने के लिए बता रहे. अब तक एक एक सेंटीमीटर कर रहे थे, इसको 5 सेंटीमीटर कर दें और इसको 1 सेंटीमीटर करें, क्या निकाल लोगे? Yes, sir. अरे इसको 5 सेंटीमीटर कर दे, इसको 1 सेंटीमीटर करे तो निकाल लोगे ना? Yes, sir. सही है ना? निकाल लेंगे. और क्या बनाया जा सकता है? इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर पीछे किए, मतलब एक को भी निकाल लेंगे उसमें. उसमें जो सेपरेशन होगा ना वो ऐसे नहीं आएगा. उसमें एक इमेज, जैसे यहाँ पर क्या हो जा रहा है ना कि इसको इसको वर्टिकली जब कर रहे हैं ना, तो इमेज एक ही लाइन में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसको दाएं बाएं जब मूव करा दोगे ना, तो एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा. अरे समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर. पाइथागोरस निकाल लेंगे सर. तुमको एक्चुअली पाइथागोरस लगाना पड़ जाएगा कि हाँ, कि हाँ भाई कितना होगा. लेकिन निकाला जा सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं निकाला जा सकता. अरे सही है ना यार? यस सर. उसमें मिरर पीछे करेंगे तो सर उसका फोकस चेंज नहीं हो सकता. किसका फोकस चेंज होगा? ओ तेरी, मिरर का फोकस चेंज नहीं होता है सर. लेट ज्वाइन किया था वो, देखा. मिरर का फोकस चेंज नहीं होता है, लेंस का फोकस चेंज होता है. इन केस अगर तुम उसको किसी और मीडियम में डीप कर रहे हो, है ना, मिरर का तो फोकस कहीं चेंज हो ही नहीं सकता. सर अगर किसी मिरर को कट करते हैं और उसका पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, तो सर उसका इंटेंसिटी में कोई कमी तो होगा नहीं? क्या 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 तुम क्या बोला, फिर से बोलना. सर अगर कोई मिरर को कट करते हैं और उसको डिस्प्लेस नहीं करते हैं, वहीं पे रखते हैं, हाँ सर, कोई चेंज नहीं होगा? तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा? कोई चेंज नहीं होगा. उसको कट करके गायब कर दोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो वैसा क्या, सब कुछ चलता रहेगा, है ना? यस सर. बहुत बार देख तुम लोग देखा तो होगा, अभी खैर नहीं पता. अब हम एक्चुअली गरीब आदमी थे, तो हमारे गांव में हमारी माँ एक शीशा लगवाई थी, तो वो शीशा ना बीच से क्रैक कर गया. कोई वैसे ही सास बहू का हुआ होगा, मीन्स झगड़ा, तो यहाँ वहां तो हाथापाई में हाथ लगाई वाला चीज टूट गया, है ना? तो मेरी दादी यहाँ से लाल टेप लगा दी. अब वो काम करता था, अरे देखा होगा, नहीं करता? यस सर. यस सर. भाई साहब, अब अगर आप लोग अंबानी घर से हैं तो हमको नहीं पता,
हम लोग भी किए हुए हैं। यूजुअल घरों में ऐसा होता है, यूजुअल घरों में ऐसा होता है, लाल टेप तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाल भी टेप मिलता है, नहीं तो कई बार ब्लैक टेप भी मिल जाता है। अरे वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन वाला जो टेप नहीं है, वही टेप लगा है ना, अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? यस सर। तो वो उसी इंटेंसिटी से काम कर रहा होता है, कोई खास दिक्कत नहीं होता है ना? अरे है कि नहीं यार, बोलेगा है ना। हाँ लेकिन सोच कि अगर इसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको अगर यहाँ कर दे और इसको नीचे कर दे, अब क्या होगा? अब तुमको दो इमेज दिखाई देगा, दो इमेज दिखेगा, सही है ना? ये अंतर है। कटिंग ऑफ मिनर्स पर देखो, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस पे ना तो कोई कैलकुलस है, नहीं कोई वेक्टर्स है, इसमें अच्छा प्रॉब्लम बनने का गुंजाइश रहता है। उसका रीजन यही है कि थोड़ा आईक्यू काम करता है। जैसे अब तक जो भी तुम लोग मैग्निफिकेशन सीखा था, अब ये सुंदर एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअली मैग्निफिकेशन है कि भाई ये बन रहा है तो भाई कहाँ बन रहा है ना, कितना बन रहा है, और क्या कुछ नहीं है इसमें। अरे समझ में आया नहीं यार? चलो अब देखते हैं जो लास्ट डीपीपी में बहुत सारा प्रॉब्लम है तो लोग फंस रहे थे, वो है यूनिट वेक्टर्स, है ना। एक यूनिट वेक्टर कुछ बता देता है तो थोड़ा सा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये किसी को समझता है? यूनिट वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड वन हो। जैसे नॉर्मली कोई अगर वेक्टर लिखते हो ए, इसको ले लिया ए, नहीं इसको आई कैप बी कैप जो तो समझे नहीं, मान लो कोई अगर वेक्टर है मेरा ये ए है ना। अब ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ क्या चीज दिखाता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और ये जो एरो है, ये एरो क्या दिखाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है कि नहीं? हेलो, यस सर। लोग बोला तो लोग बोला कि क्या हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर एक्चुअली बता सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन हो? लोग बोला हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अब वो चीज को भाई कैसे बताएंगे? तो मान लो कोई अगर वेक्टर है ए, तो ए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ ए, यूजुअली हम लोग मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? मॉड ऑफ ए से। तो लोग बोला कि अगर इसी डायरेक्शन में अंदर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, तो हमको क्या करना होगा? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ना डिवाइड कर देना होगा। बोलने का मतलब यह है कि मान लो कि अगर इस ए ए वेक्टर को अगर लिखा जा रहा है कि ये है 7 यूनिट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब कोई बोला कि हमको इसी डायरेक्शन में एक ना यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो अब अगर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें, तो जो वेक्टर आएगा देख, वो एक्चुअली वेक्टर क्या हो जाएगा? इसको अगर 7 से ही अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो ये क्या आएगा? 1 यूनिट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नहीं आएगा? यस सर। यूनिट वेक्टर है क्या जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कुछ उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो? यूजुअली किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है, बस जो वेक्टर तुमको एक्चुअली पता है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अरे यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब क्या है कि स्पेस में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, सही है ना? इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर भी फिर पॉसिबल है? बोला हाँ बिल्कुल सही बात। तो मैथमेटिशियन लोग कुछ यूनिट वेक्टर को फिक्स किया कि अच्छा इसके डायरेक्शन को हम लोग फिक्स बोलेंगे। उसमें फिक्स के लिए क्या किया? जैसे हमारे पास 3 एक्सिस है,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सही है ना। तो इन तीन एक्सिस को देखते हुए इन तीन का जो डायरेक्शन है ना, इन तीनों में तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया। अच्छा कौन कौन सा एक्चुअली यूनिट वेक्टर तुमको मतलब डिफाइन करके मैथमेटिशियन लोग दिया? बोला एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। यूजुअली यूनिट वेक्टर को जैसे कोई अगर वेक्टर है इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ए के ऊपर एरो। लेकिन जो ना यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कैप से दिखाते हैं, मतलब ए कैप बी कैप, कहीं पर भी अंदर दिख लिया बी कैप, मतलब इसका क्या है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? अब क्या हुआ कि हमारे पास तीन एक्सिस है, कौन कौन सा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों के लिए तीन स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स दिया गया मैथमेटिशियंस के द्वारा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर दिया गया उसको बोलते हैं आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो दिया गया इसको बोलते हैं जे कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है। और जो जेड डायरेक्शन में जो दिया गया उसको बोलते हैं के कैप। अब एक चीज को ना समझना, इससे फायदा क्या हुआ? मान लो कोई बोला कि पांच यूनिट एक्स एक्सिस के साइड कोई अगर चला है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको हमको अगर लिखना रहता कि कोई पांच पांच यूनिट एक्स एक्सिस में ना एक्चुअली चला, तो उस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? मान लिया कि वो एक्चुअली वेक्टर अगर ए ए वेक्टर है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे समझते? फाइव यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे यही तो लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये हमारा वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी मेरे को दिखाना होगा और उसका डायरेक्शन को भी दिखाना होगा, सही है ना? यस सर। अच्छा मैथमेटिशियन लोग बोला ये वाला कहानी लिखने से अच्छा है कि सिंपली लिखो ए ए वेक्टर इक्वल्स टू फाइव आई कैप। क्यों? क्योंकि ए इक्वल्स टू फाइव आई कैप लिखते ही समझ गया कि अच्छा 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 समझ गया। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? फाइव आई कैप मतलब क्या हुआ? पांच यूनिट इन एक्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आई कैप मतलब हमको पता है क्या एक्स डायरेक्शन का भाई बात हो रहा है। कोई बोला बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू जे कैप, अरे समझ पा रहा है? यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई हाँ नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई। अरे समझ नहीं पाया मेरी बात को? तो इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने से अच्छा है कि सिंपली आई कैप लिख लिए जे कैप लिख लिए और सामने वाला समझ गया कि भाई तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अरे यार यस सर यस सर। तो यूनिट वेक्टर से फायदा ये हो रहा है कि हम किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करके, अब मैथमेटिशियन लोग चूंकि एक्स वाई जेड को स्पेसिफाई किया है आई जे और के से, तो किसी भी एक्चुअली वेक्टर को हम लोग आई जे के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, कोई अगर एक्चुअली वेक्टर मान लो लिखा हुआ है फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ? सर उसका यूनिट एक्स में और तीन वाई में। वाई में हाँ सही है, मतलब जो वेक्टर जो आ रहा होगा तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक दो तीन चार पांच, पांच यूनिट यहाँ पे गया होगा और तीन यूनिट कहीं वन टू थ्री, मतलब जो जो ये होगा ना, जो तुम्हारा वेक्टर होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अरे समझ पा रहा है मेरी बात को? यस सर। जैसे 2D में जो हम लोग डील करते थे ये बेसिकली 5,3 है। अरे ओरिएंटेड में जैसे 5,3 कैसे लिखते थे, ये वही चीज है। ये मैं अगर मान लो 2k कैप रहता तो क्या हम लोग करते हैं? सर तीन डायरेक्शन में रहता पहले दो, मतलब ये ऐसे ना जाकर के ये ऐसे कुछ जा रहा होता स्पेस में। यस सर एयर में।
हाँ सही, मतलब ये कुछ स्पेस में जा रहा होता है, ये तुम्हारा होता है 2D में ना होकर के ये यहाँ से तुम्हारा उड़ान ले रहा होता। अरे यस, यार रूम का कॉर्नर। हाँ रूम का कॉर्नर भी कुछ जा रहा होता है ना। अरे समझ पा रहा है। यस अच्छा सर। एक IQ वाला क्वेश्चन पूछते हैं, शायद तुम लोग आंसर कर पाओ। एक पॉइंट है 3,4 यहाँ पे है ना। अब अगर एक पॉइंट मेरे पास 3,4 है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से ना डिस्टेंस कितना, फोर फोर और वाई एक्सिस से है थ्री ना। सही है ना। अच्छा एक पॉइंट दे दिया 3,4,5 यहाँ पे। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से ना डिस्टेंस कितना, बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना। फोर कमा फाइव का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना। सर रूट अंडर 41, 41। सही बोल रहे हैं। हाँ सही है। सही है, पता नहीं। हाँ सही है, सही सही होना चाहिए मेरे ख्याल में। सही है, बोल रहा सही है। कुछ लोगों से कैलकुलेट ही नहीं हुआ। हो गया चलो सर कोई ना, कल कैलकुलेट करके रखना। इकतालीस चल ठीक है, कोई ना, कल कैलकुलेट करके रखना। कल का क्लास वेक्टर्स के ऊपर ही होगा, ठीक है। अरे कल का यस, क्लास कल कोई क्लास नहीं वेक्टर्स के होगा। ऊपर, वो कल तुम्हारा टेस्ट है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, टेस्ट के ना बाद जब भी क्लास को होगा, टेस्ट शाम को हो सकता क्लास है, हर शाम सर, को क्लास टेस्ट में मदद कर होती देना। है सर। मदद कर देना। यस कोई गरीब आदमी बाढ़ ग्रसित, मदद कर देना मनीष हर चीज में ना। मैं ना मदद 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 भूखा लंगा आदमी, बाढ़ पीड़ित, सांस्कृतिक बाढ़ पीड़ित, ताऊते पीड़ित, ताऊते पीड़ित है ना। सर, संस्कृत हिंदी का क्लास ले लीजिए सर, नहीं हुआ है बहुत दिन। अच्छा एक दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फेल होने वाले सर कुर्ता उसमें। पंजाब हो जाएगा, कुर्ता पंजाब हो जाएगा। आज तक हम कोई ये वाला यूज नहीं किए ना, कुर्ता पंजाब। किए हैं लास्ट सर सालिया हमारे भट्टू स्कूल यार, में। बिल्कुल नहीं, लास्ट ईयर का कितना डायलॉग था यार, कोई लिख के हमको भेजो ना उसके पीछे का कितना। एक सर वो काम तो अभी अच्छी कर से देता कोई भी है भेजा सर। क्या। हाँ कोई नहीं भेजा है तो ऋतिक तू ही भेज दे क्या क्या डायलॉग यस सर, हम एक था। साथ मिलकर भेजेंगे। हाँ भेजो भेजो, लेकिन जल्दी भेजो, ताकि वो सब जो ना नया बच्चा है ना उसको चमकाने में काम आए। नाइन थाउजेंड सब मेरा कर लो, वो भी चमकाएंगे। नए नए डायलॉग्स भी डाल देना। नया नया डायलॉग फिर उसमें ऐड करेंगे ना। चलो ठीक है, सर को भेजो ना बोलिए 5-5 डायलॉग लिखकर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। फिर। वो में ना कॉमन डायलॉग्स होने लग जाएगा ना। कॉमन डायलॉग नहीं चाहिए ना, जो जो यूनिक था है ना। सर 9th और फिजिक्स का कितना चैप्टर हो गया। एक एक चैप्टर हुआ और क्या। सर अरे तो टाइम किसमें लगा, सर बता रहे हैं टाइम उसमें क्या में लगेगा, मोशन में ही टाइम लगेगा, और नहीं तो किसमें टाइम लगेगा बताओ। ग्रेविटेशन छोटा भाई भाई चैप्टर है, वर्क पार छोटा चैप्टर है, फोर्सेस जो टाइम लगना है वो ये मोशन और फोर्स में लगना है, और किस में टाइम लगेगा है ना। घूंगला चिपका रहा है तो कहीं ऐसा बात उसका है खा कि गया। फिलहाल वो लोग 8 से 9 जब पहुंचा है तो थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है ना। फॉर्मूला ही 3 लेट याद होता है वो सर हम लोग का था 5th इक्वेशन क्लास को में पूरा मोशन। मोशन खत्म कर दिए थे उस टाइम में जोश था,
गो ओनलीया बाद में रियलाइज हुआ था कि आपकी हमसे गलती है, लेकिन क्या होता है कि फिर अब सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सच में पांच क्लास से ज्यादा का वो चीज है, लेकिन वो किसके लिए, जिसका वो जो नोट्स था ना सर, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन था जो आपसे मतलब बेसिक लेवल का सर, जब आप नए नए आए थे तब में मोशन का नोट्स भेजे थे। अच्छा अच्छा ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का भी नोट्स भेज दें क्या, हैंड रिटन भेजे हुए हैंड रिटन भेज दीजिए सर, भेज दें। यस सर, लेकिन वो मैं थोड़ा बहुत ना एक्चुअली प्लस टू लेवल होगा तो उसको, क्योंकि ये जो नोट्स है ये हमारा प्लस टू के लिए नोट्स है, तो वो मैं देख लेना पढ़ लेना, जो समझ में आए ठीक है, जो नहीं समझ में आए उसको इग्नोर मार दे। यस सर, ठीक है ना, अरे सही है ना। ओके सर, वो जो हमारा नोट्स, मतलब हम वैसे यहाँ पर भी वही नोट्स सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन वो बस देखते हैं कि हाँ ठीक है ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल इस लेवल में, तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी सब कुछ जितना प्रॉब्लम हम एक्चुअली मतलब क्लास में भी एक्चुअली करवाए हैं, सब वहीं से एग्जैक्टली करवाए हैं, तो तुमको सब प्रॉब्लम वहां पे मिल जाएगा, हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेंड कर देते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर ले पूरा, ठीक है ना। सर आज ऑप्टिक्स का 2.5 महीना पूरा हो गया। हाँ सही, अरे तो ऑप्टिक्स ही ये में सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे पास, देखो कुल मिलाकर के मेरे पास 2.5 चैप्टर है, एक ऑप्टिक्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी और आधा चैप्टर मैग्नेटिज्म। हम क्या करें, मेरे पास तो लिमिटेशन है ना, तुम बताओ क्या करें। अभी तुम खुद से देखना, देख हम तुमको सेंड कर दिए ठीक है, तुम खुद से मेरे को देख करके ये पूरा नोट्स पढ़ के मेरे को एक्चुअली बताना कि पूरा कंप्लीट नोट्स है ये का प्लस टू का, कि हम प्लस टू में भी ऐसे ही क्लास लेते हैं। अब तुम सोचो कि जो ऑप्टिक्स हम तुमको एक्चुअली कराए हैं ये 109 पेज का है ना, ये में मुश्किल से 19 पेज ऐसा होगा जो तुम नहीं जानते हो, तुम खुद से खोल के देखना, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19 पेज होगा जो तुम नहीं जानते हो, या कुछ पेज हो सकता है गलती से हमसे छूट गया हो, वो चीज तुम हमको रिकॉल करवा देना कि हाँ भाई ये चीज छूट गया है, ठीक है ना, वो हम तुम्हारा सर आप खुद लिखे हैं। हाँ हाँ मेरा राइटिंग है सर, सर का राइटिंग। हाँ तो और क्या, तुम क्या ओए बाढ़ पीड़ित शक नहीं करते, चलो बाय बाय। Thank you.